पानीपत के सभी निवासियों का मेरा नमस्कार। मैं अवनीत कौर, पानीपत मेयर, और वॉइस ऑफ पानीपत के द्वारा एक नई पहल जो आज तक किसी न्यूज़ चैनल वाले नहीं की, और इन ये पहल कि पानीपत के अंदर महिला रत्न अवार्ड हर महिला को जो सामाजिक कार्यों में जुड़ी हुई है, जिसने जो एक बैकहैंड पे जो काम कर रही है, उनको एक स्पेशल उनको दर्शाना, तो इस चीज़ इस पहल के लिए मैं वॉइस ऑफ पानीपत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और स्पेशली कुलवंत जी का, जो ना केवल सिर्फ पानीपत की समस्याएं दिखाते हैं, इसके अलावा पानीपत की अंदर जो महिलाएं हैं, जो दिल से सामाजिक कार्यों में लगी हुई हैं, जिनके मन में किसी कोई बिना इच्छा के वो लोग काम कर रही हैं, तो उनको एक बढ़ावा देने का जो काम वॉइस ऑफ पानीपत ने किया है, तो ये एक वॉइस ऑफ पानीपत को बहुत बड़ा थैंक्स जाता है। और इससे ना केवल नारी शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जो महिलाएं संघर्ष करना चाहती हैं, जो सोसाइटी के अंदर सामाजिक कार्यों में आगे आना चाहती हैं, उनको भी एक बढ़ावा मिलेगा कि हमें भी सामाजिक कामों में आगे आना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, और इससे काफ़ी महिलाएं जो हैं, जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि टैलेंट है कुछ करने का, या कुछ ऐसी उनके अंदर ऐसे विचार हैं जो सामने वो रख सकते हैं, तो वो सब सामने आएंगे, और इससे हमारे पानीपत को एक, हम कह सकते हैं, एक नया चेंज मिलेगा। और हम लोग सब सोचते हैं कि पुरुषों का ही बहुत बड़ा हाथ होता है पानीपत किसी भी जगह का विकास करना हो या कुछ ऐसा हो, तो महिलाओं का भी एक बिल्कुल प्रॉपर हाथ होता है, जिससे वो लोग समाज के अंदर अगर कुछ भी चाहें, कुछ भी बदलाव करना चाहें, तो वो कर सकती हैं। नारी शक्ति ना केवल सिर्फ घर तक ही सीमित है, वो घर के बाहर भी है। इसी प्रोग्राम के माध्यम से हमें सबको ये देखने का एक मौका मिलेगा, तो इसके लिए मैं वॉइस ऑफ पानीपत का फिर से बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि जिन्होंने महिलाओं को एक मौका दिया आगे आने का।